नमस्कार जुआर मु अर्धेन्दु शेखर खास कथा आज जन खास अतिथि आम सहित अच्छा कथबार्ता हाँपी से आउ कहीं नुहति से हूँ पूर्वतन मुख्यमंत्री जानकी बल्लभ पट्टनायक पु पृथ्वी बल्लभ पट्टनायक आपको स्वागत बापुन बाबू कार्यक्रम को और दर्शक जाणी ना निकनेम बापुन बोल कि वर्तमान जोरसोर से चर्चा हो कांग्रेस राजनीति में गोटे प्रकार किसी परिवर्तन होगापी जाऊँगी अनेक लोक सामिल होती विजय पट्टनायक पूर्वतन चीफ सेक्रेटरी भी सामिल होते ही आपको से आसते भी करसी विजिट करने अन् दि अदर हैंड आम देखुचे आप भोलगढ़ बेगुनिया अंचल बुलाबूली कर तो कौन आग को लक्ष्य रही आप राजनीतिक लक्ष्य कौन विजय बाबू तो कल आसते आम घर को विजय बाबू जड़े मुख्य सचिव थे बापा टाइम बहुत प्रशासनिक काम से बहुत तुलाउले आने भल प्रशासक बोली समस्ते जानते जन अमायिक व्यक्ति कल ये आसते जे कांग्रेस रे मिसला परे से समस्त पाखक चाहते कांग्रेसटा केमती एकजुट हवा आम समस्ते लड़ा आम कांग्रेस एक अच्छु आउ कांग्रेस फेरे यदि एकाठी हो लड़ा तो फेर कांग्रेस आसीपर आम लोक पाखक पहुँचवाक पड़ो सी बापा सहित कम कला बेले कि अभिज्ञता मत कही सी कहते बापा अफिसर मानक भी पचारे केमती अच्छा कौन तक से मानकर केमती रोचार कौन कर किसी असुविधा से सहित कौन कौन काम करवा दरकार लोक से सब विषय भी आलोचना करूँ से माने बापा को बहुत भल पाते आप देखु स्वर्गत जानकी बल्लभ पट्टनायक को राजनीतिर चाणक्य बोली कहला बहुबार से मुख्यमंत्री भी होती राज्यपाल होती आसाम पॉलिटिकली से जड़े सक्सेसफुल लोक थे कहते बही भी लिखा होनेक जगह तो अवर्तमान आबसेन्स को बर्तमान आप फिल कर कि ना ना जदि जानकी बाबू एवं बंची था हे तो गोटे सरकार एत वर्ष धरी 23 वर्ष होगा ये राज्य शासन क्षमता न था एमती किसी आसे मन भितर आप ना ना सी तो कांग्रेस बहुत समय धरी पीसीसी सभापति थे कांग्रेस जड़े बड़ लीडर थे जहाँ कांग्रेस लोक मैंने कहते मु तो बेसी समय राजनीति में नी किंतु जो माने तांको सहित संप्रुक्त थिले जो माने तांको सहित काम करिचंती सेई माने कहिया कथा जे कांग्रेस रे सी आम को गोटे दिग्दर्शन दौले आउ कांग्रेस यदि आज से थांते ताले निश्चय कांग्रेस रे बहुत परिवर्तन हे थांता आ सी सदाबळे गोटे टीम को नेके काम करंती एज ए टीम गोटे टीम लीडर ए हिसाब रे से सदा बेले काम करती आ से विश्वास करती आई बहुत सी भी बहुत राजनैतिक युद्ध लड़ी आत हारी के जीति सी के ब्रत होना आंत रही से कांग्रेस को शासन बड़े भी कांग्रेस को देखी जिते कांग्रेस शासन नथिला सेतबळे भी कौन करा जाई पारिवो गोटे अपोजिशन लीडर हिसाब रे से सेता भी काम करिचंती आउ धैर्य ही तांकर गोटे बहुत बड़ अस्त्र थिला नै सेई स्ट्रेट आंसर टा मु अपन थारु चाहिबी जे जदि जानकी बाबू वर्तमान थांते ताहले ई राज्यर राजनीतिक दृश्यपट कौन होइतांता से एबे जदि थांते ताहले निश्चय कांग्रेस रो बहुत उन्नति होइतांता कांग्रेस परिस्थिति बहुत भल होता आउ मु भावुची आज जहाँ अवस्था अच्छी कांग्रेस से अवस्था न था अच्छा अनेक लोक सामिल होती कांग्रेस ठीक अच्छे किंतु अनेक लोक छाड़ी भी जापणकर कार्यकारी सभापति छाड़ी जापणकर विरोधी दल नेता जी कांग्रेस थे सी भी छाड़ी जाजु जनता दल को गोटे समय कांग्रेस यूनाइटेड थिला स्ट्रांग थिला वर्तमान लोक जो संख्यार आसूर अधिक संख्यार छाड़ी जामती एक परिस्थिति कांग्रेस कहीं सृष्टि शुणु ये गोटे कांग्रेस दुर्दिन
टिके आमर संगठन दुर्बल हो जाइछि। किछि लोक कांग्रेस को छाड़ी दे इथि पई जाउछन्ती जेहेतु तांको मनरे अछि जे आमे टिके कोठी गले कौन गोटे आमु मिली जीव पदवी किंबा आउ कौन सहाय मिल जीव सेथिमे सेमान जाउछन्ती। अवश्य मुझे कहीपरिनी कौन पर जाऊँच कि कांग्रेस जो माने अच्छा जो माने कांग्रेस लोक कांग्रेस मो मतरे से माने कांग्रेस छाड़ीबा कथा नो कांग्रेस लई लड़ीबा कथा। दुर्दिन तो आसे इंदिरा गांधी टाइम रे भी एमरजेंसी थिला दुर्दिन आसला से तो भी इंदिरा गांधी हारी जाते बहुत लोग छाड़ी देते कांग्रेस कांग्रेस विभाजित होता फेर कांग्रेस फेरी से लोकों पर धैर्य दरकार कौन कले आम समस्ते एकाठी होगा कांग्रेस ए समस्ते एकाठी हवा दरकार आ संगठन को सुदृढ़ करिया दरकार। बाहर लोक कथा छाड़ दिंतु खोद आपणकर भिणे सौम्यरंजन पटनायक से जा कांग्रेस भी थिले कांग्रेस छाड़ी की अन्यान्य दल भी कले वर्तमान विजु जनता दल रे सामिल है कि विधायक अच्छा शुणु सी कहीं छाड़े मुझे तो कहींपर मुझे विषय जाणी सी कहीं छाड़े सी भी कांग्रेस जड़े भल नेता जड़े भल वक्ता बहुत ज्ञान अच्छी सी कौन पे छाड़े से तो खणपड़ू प्रथम जिते ढाई थे स्वाधीन भाव में ढाई थे तापर स्वाधीन ढड़ा होकर सी भी निजे ढड़ा हो बहुत थर ढड़ा बहुत चेष्टा कर लोक को से जितने कौन है मन भितर कौन अच्छी मुझे जाननी सी किसी पारे क्या सागर मनातर होती से बीजेडी रे मिस्थाई पारंती। अच्छा देखो बीजेडी तांको राज्यसभा भी पठेला तापर विधायक टिकट दे कि से विधायक निर्वाचित भी हेले चर्चा होता जेहेतु से जड़े इंटेलिजेंट लोक एवं ज्ञानीगुणी लोक से हूँ तो सरकार कड़े मंत्री करें कि जिते भी मंत्रिमंडल अदल बदल चर्चा हुए सौम्य बाबू ना आगे आसे मंत्री हे बोल कि आज पर्यटन मंत्री कराएना से दृष्टि आपड़ भावुंत कि विजु जनता दल में उपयुक्त सम्मान मिलू बोल कि देखु सी जड़े विज्ञ लोक बहुत ज्ञान अच्छी सी जड़े संवाद देखते गोटे बड़ अनुष्ठान से बहुत प्रकार कार्यक्रम कर रक्तदान भी अच्छी जे भाया व्यक्तित्व बहुत ओडिशा रे आम कम देखा आउ विजु जनता दल रे सी अच्छा निश्चय किसी गोटे जो प्रकार तांकु गोटे स्थान दवा कथा मुझे विजु जनता दल दवा दरकार भलिया लोक ये बहुत किसी जानी ओडिशापी भी करें ओडिशा को आगो को नहीं पारे बहुत किसी परिवर्तन आनीपारे से भलिया लोक को निश्चय किसी मो मतरे विजु जनता दल रे आउ किसी पदवी रे देले विजु जनता दल पई भल हंता आ लोक मानक भी भल हंता। माने आपण कहउछन्ति समय बाबू को भलिया लोक को ठीक सम्मान दौ नहीं विजु जनता दल बा असम्मानित करी मत लगुच समय बाबू को सी ठीक ये ठीक भाव में उपयोग करना जमी करवा कथा से उपयोग कर आदि विजु जनता दल यदि आई आग को जवाक चाहूँगी दल जदि आग को जवाक चाहूँगी तेल समय बाबू को निश्चय उपयुक्त स्थान देने दलर उन्नति हाँ आक मान उन्नति हाँ ओडिशार उन्नति हाँ कहीं भाया व्यक्तित्व यही लोक ओडिशा रे मिलिया बहुत कष्ट। आपण कहले कांग्रेस को संगठित करिवा कथा आपण विभिन्न फैक्शन कथा तो स्वीकार करिवेनी खोला खोली किंतु रही कांग्रेस रे तो आपण चेष्टा करूना समय बाबू को भले जो माने अतीत रे छाड़ी की चली जाई कांग्रेस दल को ताकु पुनी थरे फेरे आनिबा पई आपण चेष्टा करिवार असुविधा कोन नै आमे निश्चय चेष्टा करिवु जो माने कांग्रेस छाड़ी की जाई छंती आमे निश्चय समस्त आनिया चेष्टा करिवु आमे निश्चय एकाठी होबु एकाठी हे कि आम संगठन टाकु सुदृढ़ करिवु आमे चाहिबु जे समस्ते फेरी आसुन जो माने कांग्रेस छाड़ी जाइछन्ति किछि तांकर मनांतर हे किछि जहाँ भी हे कि जाइछन्ति समस्त आणिया करिबु कांग्रेस को आमे आउ थरे मजबूत करिबु निश्चय एटा आमर प्रयास रहिबो आउ देखंतु आगु को आमे कोन करूछु आपण देखंतु। अच्छा 2019 इलेक्शन रे खूब जोर चर्चा हला जे प्रतिवल्लभ पटनायक बेगुनिया बोलगढ़ निर्वाचन मंडल रु छिड़ा हेबे बोलिकि किंतु आपण छिड़ा हेले नै अथच अन्न्य कैंडिडेट मानक प्रचार कले आम देखीचु से आप कहीं ढड़ा ही नए गत थर एथर कहीं मन कर चर्चा हो आप पुणी ढड़ा हे बोल कि शुणु आम जो आरंभ कलु 2019
ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ମୋଠୁ 2 ମାସ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଲିଲୁ ଯେ ଆମ ସେତେବେଳେ ସଂଗଠନଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ ଏତେ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ସଂଗଠନ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ତାପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସରେ କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି କିଛି ଲାଭ ହେବନି, ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇ ପାଖରେ ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜେ ବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ସେଇଟା ଗୋଟେ କହିଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଠିକ୍ ହେବନି। ସଂଗଠନ ନାହିଁ, ସଂଗଠନଟା କରିକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଭଲ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଲିନି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 3-4 ବର୍ଷ ଗଲା ତ ଆପଣ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ? ମୁଁ ଏବେ ବୁଲୁଛି ବୋଲୱଡ଼ ବେଗୁନିଆରେ, ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି, ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆମର ବୋଲୱଡ଼ ବେଗୁନିଆ 2ଟା ବ୍ଲକ, 2ଟା ବ୍ଲକରେ ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମିଶିବାକୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫେର ଆଉ ଥରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଫେର ଉଠିବ, କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ମୋର ଯେତେ ପ୍ରୟାସ, ମୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟାଟା ଜାରି ରଖିବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ମୁଁ କରି ଖାସ କରି କହିବି ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାତିମାନଙ୍କ କଥା, କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛି ତ କିଏ ସାଂସଦ ହୋଇଛି, କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଏ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାନକୀ ବାବୁ ତ ଏତେ ପପୁଲାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେବେ ଆସିନି ଯେ ମୁଁ ବି କ'ଣ କିଛି କରିବି ରାଜନୀତିରେ? ନା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଏତେ ଇଏ ଆକ୍ଟିଭ ନଥିଲି, ସକ୍ରିୟ ନଥିଲି। ମୁଁ ମୋର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲି, ମୁଁ ବି ଯାହା ଟିକିଏ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲି କି ଯାହା କରୁଥିଲି ମୁଁ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲି। ତାପରେ ବାପା ବି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଏତେ ଯେ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ତାପରେ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ କି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ହଠାତ୍ ରାଜନୀତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବାରର ରାଜନୀତି ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଆଗ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମାନଟା ଦେବା, ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ବାପା ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ, ଆମ ପାଇଁ ସେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର କିଛି ନ ହେଉ, ତାଙ୍କ ଆମ ପାଇଁ ସେ କେତେବେଳେ ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁନୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକିଏ ସଦାବେଳେ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲୁ। ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବରେ ଲଢ଼ିବେ ନିର୍ବାଚନ, ନା ନିଜ ଦମରେ ପ୍ରତିବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ? କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ଆମର ଆସିନି। ଏବେ ମୁଁ ସଂଗଠନ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରୁଛି। ଆମ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା, ସେଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ PCCରେ ଗୋଟେ କମିଟି ହୁଏ, PCC କମିଟି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କମିଟି, ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ। ସେ କମିଟିରେ ଗୋଟେ ନାଁଟା ଯାଏ, ନାଁ ଗଲା ପରେ ସେଇଟା ଫେରି AICCକୁ ଯିବ, AICC ସେଇଠି କହିବ ଯେ ହଁ ୟାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ସେ ଆମର ସବୁ ଅବଜର୍ଭର ମାନେ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର, ସେମାନେ ସବୁ ଯିବେ, ସବୁ ବୁଲିବେ, ଦେଖିବେ ଯେ ହଁ ଇଏ ଲୋକ ଜଣକ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଆଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମୟକୁ ଟିକିଏ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଏତେ ଇଏ ହେବାନି। ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାମ, ମୁଖ୍ୟ କାମ। ସଂଗଠିତ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁକିଛି ହେବ, କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବଡ଼ ଅନେଷ୍ଟିର ସହିତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର, ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାଇକି ନିଜ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ।